बात करें सीएससी सेकेंड सेमेस्टर यानी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन जो 3 क्रेडिट का है, इसमें आप ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ढेर सारे टॉपिक देख सकते हैं। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना है जो कि आप कंप्यूटर के माध्यम से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद जो ड्राइंग शीट पे हम सब जो बनाते हैं वो पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दूसरा मॉड्यूल, तीसरा है प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड, चौथा है सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगुलर सॉलिड। फिर उसके बाद ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, सातवां है कस्टमाइजेशन ऑफ CDA drawings, आठवां मॉड्यूल है एनिमेशंस लेयरिंग एंड अदर फंक्शन। उसके बाद नौवां डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ सिंपल टर्म्स डिजाइंस एंड इलिट्रेशन। मेनली देखें तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, स्केल, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये सब जो टॉपिक है जिसे हमेशा आप लास्ट के PYQ को देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लास करें और इस चीज़ों को प्रैक्टिस करें ताकि हमेशा आपके माइंड में कीप इट रहे और प्रैक्टिस PYQ करते रहें। CSE का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 2022 का, जो पेपर कोड है 122। आप इसमें MCQ दिया जाता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, यानी अब 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 10। उसके बाद आप सीट को 4 भागों में बांटें और क्वेश्चन को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन अच्छी तरीका से ड्राइव करें क्वेश्चन को वहाँ पे, और जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उस चीज़ों को पूरी तरह से अच्छा तरह से वहाँ दर्शाएं, ड्राइंग अच्छा करें ताकि वहाँ अच्छा से दिख सके। जैसे कि आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 तक का भी सवाल देख सकते हैं। और ये सब जो टॉपिक है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जैसे इसमें आइसोमेट्रिक व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख रहे हैं टॉपिक। उसके बाद लाइन से, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से, सेक्शन ऑफ सॉलिड, ये टॉपिक को आप अच्छा तक पढ़े और प्रैक्टिस करें ताकि PYQ आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, तो BTech फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक, थर्ड सेमेस्टर का भी क्वेश्चन बैंक, और अपग्रेड क्वेश्चन यानी 4th सेम का भी और 5th सेम का भी PYQ पूरे अवेलेबल है। आप स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं, जैसे कि 6th से भी लेकर 8th तक सेमेस्टर तक भी PYQ आप मिल सकता है। आप मेरे चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ से आपको अच्छी तरीके से गाइड और कैसे एग्जाम पास करना है और कैसे अच्छे मार्क्स आप 9 CGPA तक ला सकते हैं वो सब आपको टिप्स आइडिया मिल जाएगा, जो कि आप अच्छा तरह से 9 CGPA ला सकते हैं।